तो आज ये गाड़ी जो है मुझे मिली है 85 की जो है 86 की जो है ये पजीरो हम लोग के पास मौजूद है। बाकी इसकी मजीद जो डेटा भी हम लोग को मिल गया ऑल्टो 2012 का जो है ये मॉडल है। तो आज बात करें 2008 में की यानी कि 12वें महीने की गाड़ी है, 2009 भी आप लोग तो हमारे बहुत सारे हजरात जो मुझे कमेंट करके बोलते हैं एहसन भाई कोई जीप वगैरह जो है दिखा दिया करें, वो बहुत सारों में एक है हमारे भाई जो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं और मैं नहीं दिखा पा रहा। तेल्स हैं वो गाड़ी के जो ऑनर हैं उनसे जब बातचीत करेंगे तो अच्छे से आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल अगर गाड़ी की मैं बात करूँ गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में आप लोगों को नजर आ रही है, अलॉयज वलॉयज डले हैं गाड़ी के अंदर। फ्रंट से अगर आप लोग देखें तो पूरी लाइट्स वगैरह ए टू जेड जो है वो गाड़ी की आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होंगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें गाड़ी की पैसेंजर साइड की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तो यहाँ से भी गाड़ी आप लोग देखें यहाँ पर भी कोई स्क्रैच कोई डेंट्स वगैरह गाड़ी के ऊपर मौजूद नहीं है। बैक साइड चल के देखते हैं गाड़ी की भाई बैक साइड से गाड़ी जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिल रही है। सो ये आ गए हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे। सो यहाँ से भी गाड़ी मैं आप लोगों को जो है दिखा दूँ। सो एक्स्ट्रा व्हील वगैरह गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, दोनों लाइट्स वगैरह गाड़ी के क्लियर हैं, बाकी ओवरव्यू जो है वो गाड़ी का आप लोग इस तरीके से देख लें। सो बेसिकली ये गाड़ियाँ जो है वो मार्केट में कम दिखती हैं और जब दिखती हैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं इसको जो है वो बना दूँ ज़रूर। तो ये क्या हमारे एक भाई थे ये खान साहब जिन्होंने बोला चले यार बना लें, तो मैंने ये गाड़ी भी बना रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए। अच्छा गाड़ी माशाल्लाह से बहुत मेंटेन रखी हुई है इन्होंने, यहाँ से आप लोग चेक करो बिल्कुल साफ़ गाड़ी, इसके पूरे गत्ते वत्ते बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, पावर विंडोज़ आप लोग को यहाँ पर लगी हुई नज़र आ रही होंगी। और इसी तरीके से अगर हम अंदर आ जाते हैं तो डैशबोर्ड वगैरह देख लें इसका बिल्कुल क्लियर है। एंड्रॉयड प्लेयर जो है इन्होंने इस गाड़ी के अंदर डाला हुआ है, सो यानी कि शौकीन है, काफ़ी अच्छा सा बनाया हुआ है इन्होंने। 4x4 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, बाकी सीट्स वगैरह आप लोग जो है वो देख लें साफ़ सुथरी कंडीशन में आप लोगों के सामने है। दूसरी साइड का मैं आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखाता हूँ, बैक साइड का डोर। सो बैक साइड से भी आप लोग देख लें इसी तरीके से, ये भी पूरी आप लोगों को क्लियर यहाँ से नज़र आ रहा होगा। याली साइड जो है वो देखें, गत्ते वगैरह देखें, सो ओवरऑल यानी कि इन्होंने क्लियर जो है वो रखा हुआ। बाकी बैक साइड पर अच्छा सा स्पेस मिल जाता है और अगर दो बच्चे वगैरह या दो तीन बच्चे बिठाना चाहें पीछे जो है वो आराम से यहाँ पर अच्छा खासा लगेज स्पेस जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। इसी तरीके से बैक साइड पे भी पावर विंडोज़ वगैरह आप लोगों को जो है वो नज़र आ रही होंगी दोनों साइड पे। चलते हैं चल के गाड़ी का इंजन रूम देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिलती है। सो इंजन रूम भी आप लोग एक नज़र जो है वो गाड़ी का देख लें, यहाँ से मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फ्रंट से जो है वो चेकआउट करें, पूरी फ्रंट पट्टी वगैरह देखें, बाकी 2400 cc डीजल इंजन जो है वो आप लोगों को इसके अंदर मिलता है। साइडों वाली जगह से भी जो है वो गाड़ी देख लें, अच्छा इसमें इतना कुप्पो वगैरह का होता नहीं है, बेसिकली जो नॉर्मल गाड़ी में होता है उससे थोड़ा सा हटके होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग साइडें वाइडें देख लें, इंजन देख लें टॉप से, इसी तरीके से इसकी साइड पे बैटरी वगैरह आप लोगों को लगी हुई नज़र आ रही होगी। सो ये ओवरव्यू है इंजन का, एक नज़र जो है वो आप लोग देखें। बस चलते हैं अभी जो गाड़ी के ऑनर हैं उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड रखी है उन्होंने। सो अभी मेरे साथ मौजूद हैं इसरार खान साहब जिनकी गाड़ी है। सर गाड़ी तो ओवरऑल जो है दिखा दी 85 की ये पजीरो हम लोग के पास मौजूद है, सर कैसी गाड़ी है ये? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त गाड़ी है, सफ़र के लिए भी है, लंग रूट के लिए भी ज़बरदस्त है, यहाँ पे भी आप जो है ना चला सकते हो बड़ा कम एवरेज पे, तकरीबन 1 लीटर पे 15-16 किलोमीटर एवरेज देते हैं। ठीक है, 1 लीटर पे 15-16 किलोमीटर जो है ये दे देती है। और कितना सीसी इंजन बताया था? 2400 cc डीजल इंजन। हाँ बिल्कुल डीजल इंजन। ठीक है, अच्छा बॉडी के हवाले से आप मुझे बता रहे थे, बॉडी चेंज है ये? बॉडी चेंज है, बाकी जो है ना 86 है, 86 का जो है ना दूसरा गाड़ी लेके उसका बॉडी जो है ना चढ़ा है। ठीक है, तो इसमें पेपर्स वगैरह तो सब क्लियर है? बिल्कुल कंप्यूटराइज कागज है इसका, कंप्यूटराइज कागज, रिटर्न फाइल, हर चीज़ें है, खुने बिल्कुल हर चीज़ क्लियर है। बिल्कुल सर क्या डिमांड रखा आपने इस गाड़ी? डिमांड तो हमने रखे है 18.5 मांग रहे, 18.5 लाख रुपए। बिल्कुल जनाब, लेकिन इसमें कमी तो हो जाएगी ना? कमी पेशी हो सकेगी इंशाल्लाह, हो जाएंगे। ठीक है, तो 18.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये कि निगोशिएट कमी पेशी वगैरह हो जाएगी इस गाड़ी में। अगर किसी भाई को ये गाड़ी पसंद आए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं खान साहब से, मतलब नंबर से 0332 8235 8235 2002 0332 8235 2002 2002। तो ये जो है खान साहब का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और कराची में कहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी? लांडी में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया। अभी हम लोग को मिल गया ऑल्टो 2012 का जो है ये मॉडल है। तो आज हमारे जितने भी भाई थे ना जो 12 की बोल रहे थे कि भाई 2012 की गाड़ी जो है वो दिखा दें, तो ये देखना अच्छी खासी गाड़ियाँ जो है मैंने आप लोगों को दिखा दी, अलायरेंस वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। बाकी चलते हैं भाई गाड़ी को जो है वो एक नज़र देख लेते हैं। तो ये आप लोग गाड़ी जो है वो चेक करें, साइडें वाइडें जो है वो गाड़ी की देखें, और इसी तरीके से गाड़ी की बैक साइड भी मैं आप लोग को यहाँ दिखा देता हूँ। सो जैसे जैसे शाम होती आती है ना यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को जो है वो जगह का मसला होता है, गाड़ियाँ करीब करीब जो है लगती आती हैं। तो बैक साइड से भी गाड़ी चेक करें, दोनों लाइट्स वगैरह क्लियर हैं, डिग्गी वगैरह, बम्पर वगैरह। बाकी रूफ़ की अगर बात की जाए तो गाड़ी की रूफ़ भी जो है वो आप लोग चेकआउट कर लें यहाँ से एक नज़र। इसी तरीके से गाड़ी का इंटीरियर वगैरह हम लोग चेक करते हैं, इंटीरियर से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से मिल रही है। सो इंटीरियर में अगर बात करें गाड़ी के दरवाज़ों वगैरह की, तो दरवाजे आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें, नीचे की साइडें वगैरह देख लें, गाड़ी के गत्ते देख लें, फुटपाथियाँ वगैरह जो है वो गाड़ी की चेक कर लें, यहाँ से ऊपर वाली साइडें जो है वो देख लें।
बाकी डैशबोर्ड वगैरह की बात की जाए, डैशबोर्ड वगैरह इन्होंने साफ़ सुथरा जो है वो करके रखा हुआ है, ऊपर मैट वगैरह जो है वो डाला हुआ है, नीचे मैटिंग वगैरह हुई हुई है गाड़ी के अंदर। सीट्स की अगर बात करूँ तो आफ्टर मार्केट जो है वो फैब्रिक वाले सीट कवर्स वगैरह जो है गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हैं। बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी, सो बैक साइड का डोर भी जो है हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें, नीचे वाली साइड देख लें, इसी तरीके से ऊपर से पिलर्स वगैरह गाड़ी के जो है वो देखें। तो ये तो होगा इंटीरियर की बात, बॉडी वाइज गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी। इंजन रूम भी जो है वो गाड़ी का देखते हैं, इंजन रूम से गाड़ी जो है वो आप लोगों को किस तरीके से जो है मिलती है। सो ये आ गए भाई हम गाड़ी के इंजन रूम की तरफ, तो यहाँ से भी गाड़ी आप लोगों को जो है वो एक नज़र दिखाते हैं। तो फ्रंट से जो है वो आप लोग शो वगैरह चेक कर लें, फ्रंट की शो पट्टी वगैरह देख लें। बाकी इसके अलावा इंजन रूम की बात करें तो ऊपर इन्होंने ग्रीस वो लगी हुई है मेरे ख्याल से, क्या बोलते हैं, डीजल वगैरह जो है वो लगवाया हुआ है, तो वो आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहा होगा। बाकी बैक की शील्ड वगैरह देख लें, ड्राई बैटरी जो है वो गाड़ी के अंदर लगी हुई है। अच्छा, कुप्पे वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ से भी कुप्पा जो है वो एक नज़र आप लोग देख रहे हैं। तो ये वाली साइड थोड़ा सा ऐसा हो जाती है ये, क्योंकि आप वाटर बॉटल वगैरह होती है और जो शुरू में बैटरी आती है वो पानी वाली होती है, तो ज़्यादातर गाड़ियों की ना ये वाली साइड पे थोड़ा सा रस्ट आप लोगों को जो है वो नज़र आता है। सो ओवरव्यू गाड़ी का मैंने आप लोगों को दे दिया, आप चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड कर रहे हैं। सो अब्दुल्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला की ये गाड़ी है। जनाब गाड़ी तो हमने दिखा दी, 2012 का ये मॉडल है, बाकी मुझे बताएं गाड़ी कैसी है चलने में। ये चलने में सही है, कम चली हुई है, घर के यूज़ के लिए थी। ठीक है, आपके पास कब से ये गाड़ी तकरीबन? ये अभी ली थी इसी साल। इसी साल जो है वो ली थी, तो 8-9 महीने पहले यानी कि ली होगी आपने इसी तरीके से। अभी कोई काम नहीं है गाड़ी में? ए सी वगैरह इसका हर चीज़, हर चीज़ वगैरह। ओके ठीक है, क्या डिमांड रखी है इस गाड़ी की? 9 लाख 10 हज़ार रुपये। तो 9 लाख 10 हज़ार रुपये गाड़ी की डिमांड है, 2012 का ये मॉडल है। अच्छा मुझे बताइएगा कि गाड़ी ऊपर से क्या सीन है बॉडी का? ये गाड़ी ऊपर से ओरिजिनल है, नीचे थोड़ा शावर है। नीचे नीचे से शावर है, ऊपर से गाड़ी जो है वो ओरिजिनल है। सो इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर 0314 0314 2958 2958 9711। तो ये जो है भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मजीद मालूम ले सकते हैं। चलें शुक्रिया। बात करें 2008 में की यानी कि 12वें महीने की गाड़ी है, 2009 भी आप लोग इसको जो है बोल सकते हैं। ऊपर से शावर्ड है गाड़ी, अंदर से जो है वो जेन्युइन बता रहे हैं। बाकी अभी ये कि हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से जो है वो गाड़ी को चेकआउट कर लें। तो साइडे वाइडे जो है वो आप लोग देख लें, साइडे वगैरह आप लोगों के सामने भाई साफ ऑफ कर रहे हैं गाड़ी को। बाकी आप लोगों को पता है मार्केट में मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है वो गाड़ी पे कपड़ा मारते रहना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता, वरना फिर मिट्टी मिट्टी हो जाती है गाड़ी। साइडे वाइडे आप लोग देख लें, पैसेंजर साइड से दिखाई, अभी ड्राइविंग साइड से गाड़ी में आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं, चल के गाड़ी का बैक साइड वगैरह भी देखते हैं, गाड़ी के बैक साइड से जो है वो किस तरीके से आप लोगों को मिलती है। सो ये आ गए हम लोग गाड़ी की बैक साइड पे, तो बैक साइड से भी आप लोग चेकआउट कर लें। दोनों लाइट्स वगैरह जो है वो आप लोग देख लें, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ नीचे की साइड वगैरह की, तो ये भी आप लोग यहाँ से जो है मेरे साथ साथ ही देख लें। इंटीरियर आप चेकआउट करते हैं गाड़ी का, इंटीरियर से गाड़ी किस तरीके से मिल रही है। सो अंदर आ चुके हैं गाड़ी के, दरवाजे वगैरह आप लोग यहाँ से जो है वो चेकआउट कर लें, नीचे की साइडें वगैरह जो है वो देख लें। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ फुटपाथियों की, तो फुटपाथियाँ भी आप लोग यहाँ से जो है वो देखें। बाकी हम बात करें गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह की, तो डैशबोर्ड यहाँ से जो है वो आप लोग देखें, ऊपर मैट वगैरह इन्होंने डाल रखा है। बाकी यहाँ से आप लोग मीटर की रीडिंग वगैरह भी जो है वो नज़र आ रही होगी। सीट कवर्स वगैरह की बात करें, आफ्टर मार्केट सीट कवर्स वगैरह गाड़ी के अंदर मेंटेन करे हुए इन्होंने, नीचे मैट्स वगैरह गाड़ी के अंदर जो है वो डले हुए हैं। बाकी यहाँ से भी देख लें आप लोग साइडें वगैरह, एक नज़र मैं आप लोग यहाँ से जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी बैक साइड आप लोग जो है वो देख लें, बैक साइड का जो डोर चेक कर लेते हैं। तो ये लॉक है, इसको अनलॉक करते हैं पहले। सो बैक साइड के डोर वगैरह भी आप लोग जो है वो चेकआउट कर लें, यहाँ से मैं आप लोग को गाड़ी जो है वो दिखा रहा हूँ। बाकी इसी तरीके से यहाँ से पिलर्स वगैरह भी मैं आप लोग को जो है वो गाड़ी के दिखा दूँ, तो यहाँ से भी जो है वो चेकआउट करें आप लोग साइडें वाइडें। और नीचे की साइडों की अगर बात करूँ तो नीचे की साइडें भी देखना है आप लोग इसी तरीके से, ओवरव्यू एक गाड़ी का जो है वो देखना है। सो कम्प्लीटली मैंने आप लोगों को यहाँ से दिखा दिया। इंजन रूम चल के चेकआउट करते हैं गाड़ी का, इंजन रूम से गाड़ी कैसी है। सो यहाँ से भी गाड़ी आप लोग फ्रंट साइड से भी चेकआउट कर लें, इसका इंजन रूम वगैरह मैं आप लोगों को जो है वो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से भी जो है वो देखें, एक नज़र साइडें वाइडें जो है वो देखें। बाकी नीचे की साइडें वगैरह भी आप लोग यहाँ से जो है वो देख लें, एक नज़र मैं आप लोगों को यहाँ से नीचे वाली साइडें जो है वो दिखा रहा हूँ, तो ये भी चेकआउट कर लें। बाकी बैक की शील्ड वगैरह की अगर बात करें, बैक की शील्ड वगैरह देखें, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी गाड़ी जो है वो आप लोग देख लें। सो कम्प्लीटली एक व्यू मैं आप लोगों को इंजन रूम का भी दे रहा हूँ कि किस तरीके से मौजूद है। अब चलते हैं जो गाड़ी के ऑनर उनसे बातचीत करते हैं, मालूम करते हैं गाड़ी की क्या डिमांड रखी है। सर गाड़ी तो ओवरऑल जो है मैंने दिखा दी है, बाकी मुझे बताएं ये चलने में कैसी है, इंजन सस्पेंशन वगैरह कैसे गाड़ी का? ओके क्लियर सुपर। ठीक है, इंजन सस्पेंशन दोनों चीज़ें जो है वो क्लियर है। अच्छा बॉडी वाइज खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट? नहीं नहीं, ऐसे मेजर एक्सीडेंट नहीं है। ठीक है, मेजर एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, टचअप है गाड़ी? हाँ टचअप है, ऊपर से थोड़ा शावर। ठीक है, ऊपर से शावर और टचअप। और गाड़ी की क्या डिमांड रखी है सर आपने? 4,10,000। 4,10,000 रुपये गाड़ी आपके नाम पे ही है? नहीं भाई के नाम पे। भाई के नाम पे, सेकंड ओनर है।
ठीक है, सेकंड ऑनर जो है ये गाड़ी है, बाकी तकरीबन जो है डिटेल्स आप लोगों को दे दी हैं। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सर, भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं सर, अपना नंबर शेयर कीजिएगा। 0301-0301-3136-463-463। तो ये भाई का नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और कराची में कहाँ देख सकते हैं ये गाड़ी? गुलशन-ए-मेमार। गुलशन-ए-मेमार, तो गुलशन-ए-मेमार में ये गाड़ी आप लोग विजिट कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया।